मीडिया न्यूज़ के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। अयोध्या में आवासीय देवा पब्लिक स्कूल वसरू मौना फैजाबाद में क्राफ्ट फेंट साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे व पूर्व विधायक अरुण सेन ने फीता काट कर किया और छात्र छात्राओं को होनहार प्रतिभा की कृतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और नौनिहाल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रबंधक सहदेव उपाध्याय ने बताया कि हमारे यहाँ समय समय पर छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए साइंस आर्ट एवं क्राफ्ट जैसे एग्जीबिशन और सांस्कृतिक प्रोग्राम कराए जाते हैं। पब्लिक स्कूल में हर वर्ष बाल मेला, विज्ञान प्रदर्शनी एवं कल्चरल एक्टिविटी का कार्यक्रम बच्चे लोग करते हैं। उत्साह के साथ हम लोग जितना भी प्रबंधन कर पाते हैं करते हैं बच्चों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए भी साइंस के इंग्लिश मीडियम में हमारा स्कूल चलता है। ऐसे कल्चरल एक्टिविटी जब हमारे बच्चे करते हैं उनका उत्साहवर्धन भी होता है और उनके ज्ञान में बढ़ोतरी भी होती है। रोल मैम, देवा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य आप, मैं देवा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज हमारे विद्यालय में मेले का, बाल मेले का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, फूड स्टॉल और कल्चरल एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं और इन सारे प्रोग्राम में हमारे पूरे स्कूल के सारे बच्चे लगभग इन्वॉल्व होकर के अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ फूड स्टॉल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कुछ ने आर्ट एंड क्राफ्ट का किया हुआ है। साइंस एग्जीबिशन में बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने नए नए मॉडल और स्टॉल लगाए हुए हैं और जैसा कि आपने देखा होगा टेस्ट्यू पेटिंग है, वॉल्केनो है, मोटरसाइकिल है, ये सारे बच्चों ने अपने से रन करके दिखाए हैं। तो ये बच्चों ने बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किए हैं। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों की लिए देखते रहें IB इंडिया न्यूज़। तब तक चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।